सो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस महीने हनी 3.0 के बैक टू बैक दो गाने ड्रॉप होने के बाद अभी हनी पाजी ने एक और नए गाने की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि एक इंटरनेशनल कोलैब है। जी हाँ, अगर आपको याद होगा तो लास्ट महीने हनी पाजी की अफगानिस्तानी सिंगर तामिना अरसलन के साथ कुछ ऐसी फोटो सामने आई थी, जिसमें तामिना ने ये साफ साफ हिंट दिया था कि उनका हनी पाजी के साथ कोई गाना आने वाला है। सो उसी गाने का फर्स्ट पोस्टर अभी कुछ घंटों पहले ही हनी पाजी ने ड्रॉप कर दिया है। जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो, इस गाने का नाम जो है वो अश्क रखा गया है, जो कि एक उर्दू वर्ड है और इसका मतलब टीयर्स यानी आंसू होता है। इसको लेके हनी पाजी लिखते हैं, आर यू गाइज रेडी टू नो द रीजन वाई आई कांट क्राई एनी मोर, वॉच आउट फॉर अश्क कमिंग सून बाय तामिना एंड मी। साथ में तामिना ने भी इस पोस्टर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा है, ड्रीम्स डू कम ट्रू प्रेजेंटिंग आर फर्स्ट सॉन्ग अश्क विद द लेजेंड यो यो हनी सिंह। सो जहाँ तक मुझे इस पोस्टर और इस कैप्शन को देख के समझ आ रहा है, ये गाना एक बार फिर से कोई स्टोरी बेस्ड होने वाला है, जस्ट लाइक सेवेज एंड सोल सॉन्ग। खैर अगर आप इस कैप्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको उधर पर्शियन म्यूजिक का हैशटैग भी नजर आएगा, मतलब इस गाने का म्यूजिक और इसकी वाइब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। वेल, अभी आप सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि ये वाला गाना आखिर हनी 3.0 का पार्ट होगा या नहीं। तो देखो यार, इस गाने के पोस्टर में तो हमें कहीं भी हनी 3.0 या फिर जी म्यूजिक कंपनी का लोगो देखने को नहीं मिला है, मतलब ये वाला गाना फिलहाल तो हनी 3.0 का पार्ट नहीं है। बाकी सारी चीजें इस गाने की रिलीज डेट आने के बाद ही पता चलेंगी। खैर बात करें हनी पाजी के लुक की, तो वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और ऐसे आउटफिट में वो पहले कभी भी किसी गाने में देखने को नहीं मिले हैं। सो मैं तो इस गाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको ये पोस्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आग लगा के बता दो। और हनी 3.0 में यो यो हनी सिंह एंड अपाची इंडियन का कोलैब तो आ ही रहा है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, तो आप लोग जाके उसे भी देख लेना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।